आदिवासियों का किला है, उस पर हमारा राज है, हमारा रहेगा। और उपदेश राणा, तेरे जितने भी साथी हैं नीचे से ऊपर तक, तेरा बाप जो आरएसएस का मुखिया है उसे लेकर भी आ जाना, तू टच भी नहीं कर सकता उसके किले के ऊपर। झंडा फहराना तो दूर की बात है, आंख उठाकर की वे देखेगा तो तेरी आंख नोच लेंगे हम लोग। हमको कमजोर समझा है तुम लोगों ने। अभी मैं देख रहा था इसका लाइव, इसकी पोस्ट भी देखा है मैंने, वो बन रहा है, हमें चैलेंज कर रहा है। अरे रामकेश मीणा ने जो भी भगवा झंडे को वहां से हटाया है उसका पूरा समर्थन आदिवासी समुदाय करता है। और मैं बनवारीलाल साथा मर मिटने के लिए तैयार हूं, लेकिन वहां दोबारा कोई झंडा फहरा नहीं सकता भगवा झंडे को। मैं वह कल पहुंचूंगा। और उपदेश राणा जी, आपकी मां ने अगर दूध पिलाया है, आपकी मां ने अगर दूध पिलाया है तो आप आइए, मैं दूंगा आपको जवाब। क्या समझा है तुम लोगों ने? यूपी समझा है, राजस्थान है, अच्छे अच्छों की एकड़ी निकलती है यहां। यहां सिर्फ रामकेश मीणा ही मीणा के साथ में हम सारे लोग खड़े हैं। और तू राजस्थान में किसी भी हस्ती को लेकर के आ जाना, किसी भी हस्ती को लेकर के आ जाना, तू वापस अपने पैरों पर नहीं जाएगा अगर हमारे सामने आया तो। ये मेरा चैलेंज है, जिसे तो उखाड़ना है उखाड़ लेना, मेरे ऊपर करा तू मुकदमा दर्ज, करा मुकदमा दर्ज। अरे बाल बांका तो कर जा अब रामकेश मीणा का, तेरी सरकार यहां की सरकार कोई भी बाल बांका कर जाए, हम लोग खड़े हैं उसके साथ। हमारे स्वाभिमान को अगर चोट पहुंचेगी तो एक ध्यान रखना उपदेश राणा, तेरा और तेरी विचारधारा का अस्तित्व मिटा देंगे अस्तित्व। राजस्थान में आएगा, तेरा बाप का राज है राजस्थान में, राजस्थान में आदिवासियों का राज है। और अगर अपनी पे आएंगे तो तुमको मैं आ रहा हूं आपागढ़ जिले पे, और तेरी मां ने दूध पाया उपदेश राणा तो तू आना, जैसे आएगा ना वैसे जाने नहीं दूंगा तुझे। ये मेरा चैलेंज है, तुझे स्वीकार कर लेना और जितनों को लेकर के आ सकता है आ जाना। तू किसी को भी लेकर के आए, चाहे वहां तू राजस्थान की सरकार को लेकर के आए तो भी तुझे हम मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारा चैलेंज है तुझे, आदिवासियों का चैलेंज है तुझे, राजस्थान के मीणाओं का चैलेंज है तुझे। तेरी मां ने दूध पिलाया है तो आ जाना। मैं बनवारीलाल साथा तुझे खुली चेतावनी देता हूं कि जिस दिन तू मेरे सामने आ गया राणा,
तो तेरी हालत बद से बेहतर कर दूंगा, या मेरी खुलेआम सोशल मीडिया पे धमकी है तुझे। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, और कहीं भी राजस्थान ही राजस्थान नहीं उपदेश राणा, कहीं भी पूरे भारत में, जहां तक कि नागपुर में अगर आदिवासी किसी से भी तू टकराएगा और हमको पता लगा तो बनवारीलाल साथा तेरे घर के आके खड़ा होकर के और तुझे चैलेंज करेगा। हमको धमकी दे रहा है कि सोच समझ के कमेंट करो। अरे मैं खुलेआम बोल रहा हूं यार, तेरी और तेरे आकाओं की पतलूम गीली ना कर दी तो हमारा नाम भी बनवारीलाल साथा नहीं है। बहुत जगह गया है, हम भी बहुत जगह गए हैं, हमारा भी इतिहास देख ले, तेरे से कम नहीं है उपदेश राणा, लेकिन सब भाषा में बोलते हैं, सब भाषा में हम तुम्हारी तरह बकचोदी नहीं करते, लड़ना तेरे से ज्यादा जानते हैं, हिम्मत तेरे से ज्यादा निकलेगी, तेरे जचे जब आजमा लेना, तेरे जचे जहां आजमा लेना, फ्लाइट से आएगा राजस्थान आएगा। तू बेटा कल की आ, तू तुझे हम करवाएंगे। बहुत सोशल मीडिया पे नेतागिरी करता है, इसको मेंशन करना मेरी लाइव, मेरी लाइव इस तक पहुंचनी चाहिए, और मैं सारे आदिवासी मेरे क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करता हूं कि उपदेश राणा का जहां भी पता लगे राजस्थान में किसी भी मैटर में ये आए तो आप लोग इसका पता रखना, इसको उल्टे पैर दौड़ा दौड़ा करके यहां से भगाया नहीं जब तक मजा नहीं आएगा। इनको मैं तो सोचता था कि यार ये लोग बकचोदी करते रहते हैं, हमको धमकी दे रहा है, राजस्थान में आदिवासियों को ललकार रहा है। तेरे बाप के डीएनए में इतनी दम नहीं है कि तू आदिवासियों को ललकारे। आदिवासियों का इतिहास लड़ाकू रहा है अब देश राणा, आदिवासियों के वहां अच्छे अच्छे राजाओं ने शरण मांगी है और उनको शरण दी है, महाराणा प्रताप जैसे नेताओं को आदिवासियों ने शरण दी है। तू तो बहुत छोटी चीज है उपदेश राणा, तू आदिवासियों को ललकारेगा, तुझे तो अकेला यार, आदिवासियों का ये पुत्र बनवारीलाल साथा बहुत है, तेरी गांड में दम है ना, तेरे जचे जा चैलेंज करके बुला लेना, तू तो आएगा या नहीं आएगा लेकिन बनवारीलाल साथा तेरे पास जरूर पहुंचेगा, तेरे जचे जा चैलेंज करके बुला लेना तू। और मैं आराम आता पकड़ कल, तेरे में जितनी दम है लगा करके आना, तू आवागढ़ तो दूर की बात है, राजस्थान की सीमा में घुस करके बता देना, मैं या ऐसा बोलना तो दूर की बात है सोशल मीडिया पे धरातल पे काम करना छोड़ दूंगा।
आपागढ़ में पहुंच रहा हूं कल, आ तू। अरे कोई हो यार राणा, क्या हमको सिखाएंगे, हमको धमकाएंगे? ला हमारा डीएनए लड़ाकू है, लड़ाकू उपदेश राणा। हमारा इतिहास रहा है लड़ने वालों में, हमने इस देश को आजाद कराने में कुर्बानियां दी हैं। तुम्हारा इतिहास रहा है गुलामी किया तुम लोगों ने, तुम लोग शेर बनना चाहते हो, शेरों से पाना तो तुम्हारा आप पड़ा है। आपागढ़ हमारा है, हमारा रहेगा। और रामकेश मीणा, चाहे मनभेद हो मतभेद हो, लेकिन बनवारी लाल साथा तेरे साथ, तेरे से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तुझे इतना सा भी खरोच आएगी इस मामले में तो उस खरोच को हम लोग आपके ऊपर से लेंगे, लेकिन रामकेश मीणा को इतनी सी भी, इतना सा भी नुकसान इस प्रकरण में नहीं होने देंगे। बिल्कुल राम लखन जी पिछवाड़े में गंडा डंडा सहित डंडा गाड़ देंगे। मेरे सारे साथियों से निवेदन है कि कल आपागढ़ किले पर सारे लोग पहुंचे और वहां से इसको संदेश देंगे और लोगों को संदेश देंगे, जिनके गलत फहमी है कि रामकेश मीणा अकेला है, रामकेश मीणा के पीछे पूरी राजस्थान की लड़ाकू फौज खड़ी है। उपदेश राणा, तेरी तेरी नहीं उपदेश राणा, तेरे बापों को की औकात नहीं है जो आपागढ़ जिले को टस्से मच कर जाए। झंडा फहराना तो दूर की बात है, अब के बाद में अगर जवान भी निकाली तो जवान काट लेंगे, जवान आंख उठाई तो आंख खोल लेंगे। वो हमारे आन पान मान और सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। अब उसके लिए लड़ेंगे भी और मरने की नौबत आई तो मरेंगे भी, और अब देश राणा मारने की नौबत आई तो मारेंगे भी। कान खोल करके सुन लेना, कई बार सोचता हूं लेकिन तुम जैसे उपद्रवियों के लिए यूपी में तुम्हारी सरकार है, नंगा नाच कर लेते हो, राजस्थान को यूपी समझा है। तेरे बाप की जागीर है राजस्थान। मुंह में आया जो बोल देता है। आना कभी सामने, गलती से मेरे सामने आ गया ने कभी उपदेश राणा, तो बात पीछे करूंगा, पहले तेरा जंतर भरूंगा मैं।
बहुत FIR करवाते हो तुम, बहुत ऊपर से तुम्हारे आकाओं का फोन करवाते हो तुम। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं, खुलेआम तुझे जो खाड़ना है वो खाड़ ले, तुझे भी चैलेंज है, तेरे आकाओं को भी चैलेंज है, और तू जैसे लड़ना चाहता है, जैसे लड़ना चाहता है वैसे लड़ने को तैयार है। और मुझे पता है तू लालटेनों से नहीं मिलेगा, लालटेनों से नहीं मिलेगा तू। आदिवासियों की मां शेर पैदा करती है उपदेश राणा, शेर तू गीदड़ है, गीदड़। मनोज आदिवासी मैं आज कह रहा हूं तुमको, जिस दिन उपदेश राणा का मेरा आमना सामना हुआ उस दिन उपदेश राणा उस दिन के बाद में लाइव आना छोड़ देगा, आदिवासियों के ऊपर लाइव आना, उसके दिमाग में जो फितूल है, गलतफहमी है, उसे निकाल देंगे उसकी गलतफहमी को। और उपदेश राणा तू मेरी लाइव तेरे तक जरूर पहुंचेगी, तुझे खुल करके चैलेंज कर रहा हूं। तू जहां भी बुलाएगा, तू कहे तो आगरा में तेरे घर में आ जाऊं, तेरे घर में, तू तो नहीं आएगा लेकिन मैं तेरे घर में आ जाऊं, घर में। तू कहता है कि मैं बहुत गया हूं, कौन से आदिवासी मैटर पे गया है तू? दलाल है तू, दलाल, सांप्रदायिक दंगा भड़काता है तू, सांप्रदायिक दंगा, जातिगत जहर घोलता है तू उपदेश राणा, जातिगत जहर। और तू कहता है यार मैं तेरे कार्यालय के आगे, तू कहे तो नागपुर आ जाऊं, नागपुर उपदेश राणा, रवि सोनल आगरा 100 किलोमीटर है लेकिन आगरा में इतिहास है, इतिहास। हमारे पुरखों ने आगरा में राजा के वहां से उनकी रियासत से हमारी एक लेडीज को उन्होंने बंदी बनाया था, जहां जाकर के उनसे लड़के, और हमारे कुछ लोग थे, कुछ लोग, वो लोग उनसे लड़ करके उस लेडीज को लेकर के आए थे। कमजोर नहीं है कोई, ये सोचता है कि हमारी एकता, हम नेताओं को आपस में कुछ कहते हैं तो हमारा फूट, हमको फूट समझ रखी है। आदिवासियत के मामले पर, ऐसे मामले पर मेरा समाज एक है, युवा एक है, और उपदेश राणा तू क्या, तेरा बाप जो RSS का मुखिया है वो भी आकर के बाल बांका नहीं कर सकता। सारे साथी कल आबागढ़ किले पर पहुंचे, कोई ये ना सोचे
कि मुकदमा लगेगा वो होगा। सारे मुकदमे लगवाने के लिए बनवारी लाल साठा आगे खड़ा रहेगा, आगे मरने मिटने के लिए। लेकिन आप लोग जरूर आना आबागढ़ किले पर, कल ऐसे मैसेज देंगे पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, कि इस किले के ऊपर जो भी आंख उठाएगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। वहां से संदेश देंगे कि हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, मिटने के लिए भी तैयार हैं। मेरे साथियों, आप सभी से निवेदन है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आबागढ़ किले पर पहुंचे। और मैं स्वयं आबागढ़ किले पर कल पहुंच रहा हूं। और सारे साथियों से निवेदन है कि आप वहां पहुंचे, पहुंच करके संदेश देंगे और उपदेश राणा जी, हम आपका इंतजार करेंगे बेसब्री से। देखते किसकी मां ने दूध पल पिलाया है जो हमारे आबागढ़ जिले पर आकर के और आंख उठाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उपदेश राणा को ज्यादा से ज्यादा टैग करो, करवा। कहता है कि आज रात को FIR हो जाएगी, सुबह तक पता कर लेना, जब तू बाहर उखाड़ लेगा हमारा क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से मेरा निवेदन है कल आबागढ़ किले पर जरूर पहुंचे, बिना किंतु परंतु सोचे समझे आना है। कोई पहुंचे या ना पहुंचे, बनवारी लाल साठा कल आबागढ़ किले पर पहुंचेगा और कोई आए, जब तक बनवारी लाल साठा में जान है, सांस है, जब तक आबागढ़ किले की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, आंख उठाकर भी। मैं कल पहुंच रहा हूं, सारे साथियों से मेरा निवेदन है, सभी क्रांतिकारियों से, कि आबागढ़ किले पर पहुंचे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर करते रहें और उपदेश राणा को जरूर ये टैग करके और शेयर करें, उसको भी पता लगना चाहिए कि हम आदिवासी भी कम नहीं है। जोहार आदिवासी एकता, जिंदाबाद, जय जोहार, जय बिरसा।